जिसने 30-35 साल पुराना कश्मीर मुद्दा हल कर दिया ना, वो मणिपुर भी करेगा, वो पीओजेके भी वापस लाएगा और अखंड भारत की जो सपना है ना वो भी पूरा इसी राज मोदी जी ही करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले पीओके भारत के अंडर में होना चाहिए। पीओके नेहरू की गलती है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम पीओके लेके रहेंगे। हम तो केवल पीओके नहीं, हम तो लाहौर को भी भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और अखंड भारत के समर्थक हैं। जिन्होंने भारत तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में साइन कर दिए, वो पता क्या कर रहे हैं? भारत की गलियों में घूम रहे, रोडों पे घूम रहे, कह रहे भारत जोड़ रहे हैं। कौन से वाला भारत जोड़ रहे हो? हमें मोदी चाहिए, मोदी और इन किराएदारों खदेड़ने के लिए इस देश के अंदर कट्टर हिंदू चाहिए। मोदी जी ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया है, पहले कोई भारत को जानता ही नहीं था। राजा हरि सिंह को नेहरू जी ने ब्लैकमेल किया कि जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन नहीं करोगे तब तक आर्मी एंटर नहीं करेगी। 2024 में जनता जनार्दन किसके साथ है, किसकी सरकार बनेगी 24 में? 2024 में किसके साथ होनी चाहिए आप बता दो। राम मंदिर का मुद्दा किसने खत्म करा? और भाई साहब एक चीज बताओ, धारा 370 जो कब्जा हो रखा था किसने करा? अब बताओ, अब क्या हो रही है? अब ज्ञान बाबरी की बात हो रही है, अब अयोध्या की बात हो रही है। मेरी बात सुनो भाई साहब, जिस तेजी से सनातन धर्म के योद्धा युवा बच्चे जाग रहे ना, और तेजी से थोड़ा जाग जाएं। अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र की तो छोड़ो, अखंड भारत बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र को स्थापित जो करेंगे ना, जिस दिन 22 तारीख को राम मंदिर में जैसे ही राम लला जी के, ठीक है, और जैसे ही वहां पर भगवा झंडा लगा, अगवा से भगवा भारत, जय श्री राम। पीओके विजय जी, पीओके किसकी गलती है आपके हिसाब से? कांग्रेस की। सुनो मेरी बात, ये क्या था ना, आज कांग्रेसियों के पास पैसा बहुत है, इन अंग्रेजों के औलादों ने कागजों में कब्जा करके, इतनी जगहों पे कब्जा करके, आज ये पता क्या बताते हैं? 10,000 गज। एक सेकंड में बता रहा हूँ मैं, भाई साहब सही बोल रहे हैं नेहरू की, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। जिन्होंने भारत तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में साइन कर दिए, वो पता क्या कर रहे हैं? भारत की गलियों में घूम रहे, रोडों पे घूम रहे, कह रहे भारत जोड़ रहे हैं। कौन से वाला भारत जोड़ रहे हो? इस देश का कांग्रेसियों ने गजबाए हिंद कर दिया था। मैं हर बार बोलता हूँ, गजबाए हिंद, गजबाए हिंद, गजबाए हिंद। इस देश को इस्लामीकरण करने का काम केवल और केवल कांग्रेसियों ने कराए और हमें हिंदुओं को लॉलीपॉप चुसाते रहे। अब हमारी आंख खुली नहीं है, हमारी आंख फट गई है। इन्होंने करा क्या, वक्फ बोर्ड बना दिया, क्यों बना दिया भाई, है फलाना ठिकाना, क्या क्या एक्ट बना दिए। हमें मोदी चाहिए, मोदी और इन किराएदारों को खदेड़ने के लिए इस देश के अंदर कट्टर हिंदू चाहिए। मोदी 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 क्यों, मोदी क्यों? भारत का विकास, हाँ विकास। ऐसा है कि एक मिनट, मोदी जी ने श्रेष्ठ भारत, मोदी जी ने, मोदी जी, मोदी जी ने भारत में, मोदी जी ने विदेशों में भारत का डंका बजा दिया है, पहले कोई भारत को जानता ही नहीं था। मैं आऊंगा पीओके पर, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि नेहरू की गलती है, नेहरू ने खुद एक्सेप्ट किया है, आपकी क्या राय है? नहीं, पीओके नेहरू की गलती है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम पीओके लेके रहेंगे। हाँ, और मोदी ही ले सकता है पीओके, और कोई नहीं दूसरा ले सकता है। तो क्या 370 हटने के बाद अगला नंबर पीओके का है? यस, यही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले पीओके भारत के अंडर में होना चाहिए, होना चाहिए। खाली बातें मत करो, पीओके के लेके दिखाओ। अगर मोदी जी पीओके के लेते हैं तो मैं भरपूर भाजपा का समर्थन करूंगा, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। 70 साल में इन्होंने पीओके दे दिया, अब मोदी से कहते हैं कि 9.5 साल में ले आके दे दो। 24 में के बाद हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि 24 के पहले ही पीओके हमारे अंदर हो जाए। पीओके का मुद्दा केवल एक राजनीति का मुद्दा है, पीओके आ जाएगा, ये जो है बहुत दूर की कोड़ी है। हम तो केवल पीओके नहीं, हम तो लाहौर को भी भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और अखंड भारत के समर्थक हैं। परंतु पीओके का जो मुद्दा है वो इतना सीधा और इतना सरल मुद्दा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसमें काफी काम करना पड़ेगा, तो वो एकदम से होने। इसमें किसकी सरकार? 24 में जो वो सरकार होनी चाहिए जो मुद्दा आधारित काम करे। पहले अगर पीओके भारत के अंडर में आ जाता है तो मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार बिल्कुल 400 पार। अगर पीओके आ जाता है तो
अगर पीओके नहीं आता है तो झांसेबाजी नहीं चलेगी। राजा हरि सिंह को नेहरू जी ने ब्लैकमेल किया कि जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन नहीं करोगे तब तक आर्मी एंटर नहीं करेगी, जब तक एंटर नहीं करेगी। उसके बाद भी जब कश्मीर तक लोग वो पहुंच गए उसके बाद सेना उतारी गई, मगर फिर रोक क्यों दिया जब तक इतनी कत्लेआम होने के बाद? ये कहते हैं मुजफ्फराबाद, मुजफ्फर वहां पे पूंछ रजौरी बचाना था, फलाना होना था। अरे कुछ नहीं होता अगर प्रॉपर होता। वो उस वक्त भूखे नंगे लोग थे, भूखे नंगे लोग, उनको खदेड़ कर लाहौर तक पहुंचा सकते थे हम। तो पीओके कब होगा भारत में? बिल्कुल होगा, इसी राज में होगा और मोदी जी के राज में ही वो पॉसिबल है। हमारे पास आज स्पेशलिस्ट है, एक मिनट, आज हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है जिसने 30-35 साल पुराना कश्मीर मुद्दा हल कर दिया ना, वो मणिपुर भी करेगा, वो पीओके भी वापिस लाएगा और अखंड भारत कि जो सपना है ना वो भी पूरा इसी राज मोदी जी ही करेंगे। 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। 24 में कौन? 24 में जो अच्छा काम करे वो। 24 में कौन? मोदी जी। पीओके मोदी तेरी चल गई झाड़ू, मोदी तेरी चल गई झाड़ू, उड़ गए कांग्रेस और चमचे। 15 साल मोदी और 35